YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार है। शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिन में 2:26 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। नक्षत्र रोहिणी आज दिन भर है और अगले दिन 8:34 तक है और फिर उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। सूर्योदय 6:43 पर होगा जबकि सूर्यास्त 5:17 पर होगा। आज शिशुतांबूल भक्षण, अन्नप्राशन, दमरी, शिल्प विद्या, वधु प्रवेश, द्विरागमन, गृहारंभ में चक्र शुद्धि और विपणी के लिए मुहूर्त है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यंत ही महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है इस दिन व्यक्ति जो भी दान करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उसे वापस मिल जाता है। इसलिए उदारता पूर्वक जरूरतमंदों को वस्त्र, धन एवं अनाज दान करना चाहिए। वहीं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दीपावली का पर्व मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। काशी में देव दीपावली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के 3 असुर भाइयों का वध किया था, इसलिए आज के दिन पुष्कर क्षेत्र में त्रिपुरासुर को दीप दान किया जाता है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर क्षीर सागर का दान किया जाता है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। आज सोमवार है और सोमवार के दिन पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में चेहरा देखना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।